राजधानी दिल्ली के बीकानेर हाउस में प्रवासी राजस्थानियों के लिए सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। योजना का शुभारंभ मुख्य आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह और आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने किया, जिसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ई मित्र योजना, निःशुल्क दवा योजना, जनाधार नामांकन, पेंशन सत्यापन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध है। इस मौके पर मुख्य आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह ने कहा कि सीएम गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले, इसीलिए केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की ये सोच है कि राजस्थान के निवासी जहाँ भी हों, चाहे वो राजस्थान में हों चाहे वो राजस्थान के बाहर हों, उनको जो जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका भरपूर लाभ मिलना चाहिए। तो इसी सोच के तहत हमने यहाँ ई मित्र की सेवाएँ आज शुरू की हैं और निःशुल्क दवा योजना के तहत 300 दवाइयाँ यहाँ की जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनके लिए शुरू किया है। ई मित्र में जैसे आप जानते हैं 500 सेवाओं का लाभ यहाँ के बच्चों को, जो यहाँ के राजस्थान से बच्चे यहाँ कॉम्पिटिशन्स के लिए आते हैं, यहाँ से बहुत लोग मजदूरी के लिए आते हैं, तथा हमारी एक बहुत बड़ा एक राजस्थानी वर्ग है यहाँ पर, उनके लिए ये सुविधाओं का हमने शुरुआत की है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सोच है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, जो उनकी प्राथमिकता है, और राज्य में रहने वाले, राज्य से बाहर के जो प्रवासी हैं, निवासी हैं, वो चाहे देश में हों चाहे विदेश में हों, सब तक पहुंचने का उनका जो संकल्प है, वहाँ उसी दिशा में आज हमारे जो दिल्ली में राजस्थान मित्र मंडल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ इस मौके पे, जिन्होंने इसकी आइडिया इन्होंने यहाँ पे दिया कि यहाँ बहुत सारे जो प्रवासी परिवार हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, इन सबको आपको अभी बताया, हमारी जो प्रमुख आवासीय आयुक्त मैडम के इंटरेस्ट से जिस तरीके से एक शॉर्ट टाइम में ये रिमार्केबल अचीवमेंट हुआ है, और ये ई मित्र का यहाँ से कियोस्क स्टार्ट हुआ, निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसके लिए जब पिछली बार परसादी लाल मीणा साहब जो स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पधारे थे, उनसे यहाँ पर निवेदन किया था, उन्होंने निर्देश दिए, और आज ये दिन जो है हम सब लोग देख रहे हैं, ये जल्दी ही सफल होगा।